गाइस अभी मेरे पास जो रॉयल इनफील्ड है ये मात्र 15,000 किलोमीटर चली है और इसका इंजन सीज हो गया है। ऐसा खुद जो मालिक है इसका, उन्होंने कहा कि सीज हो गया है और उन्होंने कहीं इसको खुलाया और देखा कि इसका जो इंजन ऑयल है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, तो इंजन सीज हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंजन सीज होता तो सबसे पहली पहचान क्या है। एक बार हम किक मार के देखेंगे और किक बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, किक बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, देख सकते हैं बिल्कुल भी किक नहीं पड़ रही है, तो इंजन सीज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इंजन सीज हो गया तो किस कारण और क्या चीज़ टूटती है, क्या नुकसान होता है, ऐसे में हमें गाड़ी को ट्राई करना चाहिए स्टार्ट करने का या नहीं, तो यही सब चीज़ें कवर करके देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फाइनली अब मैं आपको दिखाऊंगा कि रॉयल इनफील्ड में जो यूसी इंजन है, अभी तक जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है रॉयल इनफील्ड में इस इंजन सीज नहीं होता है। और ये मेरे से पहले बंदा कहीं और गया था, उसने फिर एक मारा किक नहीं पड़ी तो उन्होंने कहा इसका इंजन सीज हो गया है। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आपको क्या कराना है, सबसे पहले इसका क्लच कवर खुलाना है। जैसे कि अभी मैंने खोल के उस बंदे के सामने मैंने कहा कि मैं आपके सामने खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है डेफिनेटली रॉयल इनफील्ड को मैं थोड़ा समझता हूँ तो मेरे को पता था कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मतलब तुम्हें आउट टॉपिक पहना हूँ, चलिए इसलिए मैंने ये चाहा कि उसके सामने दिखाऊँ। मैंने जब खोला तो उसके सामने और आपको भी दिखाता हूँ, देखिए ये कहाँ से गिरा है? जो मैंने कहा नहीं था बैरिंग बैरिंग ही बैरिंग गई है। फिर एक मिनट रुक जाइए। ए बेटा टूट के फंस गया, तभी तो इंजन रुक गया, स्टॉप हो गया। अगर इधर उधर आ जाता तो ये स्टार्ट हो जाती। जब से मंगाने वाले दुकान बंद करी ना यहाँ पे वाली, मैंने सोचा आप चले गए हो। किक मारी एक बार, नहीं ऐसी खाली किक मारना है। ओके, तो जो हमारे क्लच के अंदर 17 नंबर का मतलब फ्रंट इस पॉकेट में लगता है या क्लच इस पार्क बैरिंग में लगता है, वो नट और वाशर खुल के फंस जाता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। और कभी आपके साथ भी इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको सबसे पहले क्लच कवर ही खुला के चेक करना है। और ऐसी सिचुएशन में कभी भी गाड़ी को किक मारने की कोशिश, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि हमें समझ में आ सके कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसका सलूशन क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए इसके बाद हमने नॉर्मल किक मारी और किक मार के बिल्कुल इंजन नॉर्मल फ्री हो गया, यही था इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।